विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जिला सोलन के कंडाघाट के समीप कालका से शिमला जा रही वर्कमैन अप रेल के डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा दोपहर 12:04 पर हुआ, जिसके बाद कालका से शिमला जाने वाली ट्रेन को कंडाघाट में रोक दिया गया। वहीं अन्य ट्रेनों को अन्य रेलवे स्टेशनों पर ही रोक दिया गया। यात्रियों को बसों के माध्यम से अपने अपने गंतव्य के लिए भेजा गया। रेलवे के कर्मचारियों अधिकारियों ने कुछ ही मिनटों में रेल सेवा को सुचारू करने के लिए इस स्पेशल वर्कमैन अप ट्रेन को पटरी पर लाने का कार्य शुरू कर दिया। इस घटना में एक बछड़े की मौत हुई है। बहरहाल समाचार लिखे जाने तक रेल सेवा बहाल नहीं हो पाई है। हमारे सोलन संवाददाता से बात करते हुए कालका शिमला रेलवे लाइन के उपनिदेशक आदित्य शर्मा ने बताया कि इस वर्कमैन अप स्पेशल ट्रेन को सुचारू करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोपहर 12:04 पर यह हादसा सामने आया। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा ये अप वर्कमैन स्पेशल है, अप मिक्स बोलते हैं गाड़ी, इसका डिरेलमेंट हुआ रास्ते में, कैटल आ गया था, कैटल रन ओवर हुआ, इस वजह से गाड़ी उतर गई। रिस्टोरेशन वर्क अंडर प्रोग्रेस है, एआरटी रास्ते में है, तो जैसे ही रिस्टोर होगी हम आपको इतला कर देंगे। जो भी पैसेंजर्स फंसे हुए हैं उनको बाय रोड इवैक्यूएट कर रहे हैं। कितने पैसेंजर फंसे हुए हैं इसमें? पैसेंजर आगे पीछे कई गाड़ियां हैं, अलग अलग स्टेशन पे स्टेबल हैं, उनके पैसेंजर्स को भी बाय रोड हम भेजने का इंतजाम कर रहे हैं। कितने बजे गाड़ियाँ फंसी? ये जी 12 बजे के करीब हुआ, 12:04।